नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य EFM राजकीय महाविद्यालय 12। आज हम पढ़ेंगे भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम और ICICI अक्सर पूछा जाता है ICICI की फुल फॉर्म। कई बार पेपरों में ये पूछा जाता है ICICI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ICICI भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, जो ICICI के नाम से प्रसिद्ध है। इस निगम की स्थापना जनवरी 1955 में हुई। यह निगम देश के निजी क्षेत्र का विकास बैंक है। इस संस्था की स्थापना में विश्व बैंक का सहयोग रहा है। इसके लगभग 11% अंश विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी संस्थाओं द्वारा क्रय किए गए हैं। इसकी दत्त पूंजी 5 करोड़ रुपए है, जिसमें 2 करोड़ रुपए अंश भारतीय बैंकों के पास हैं। केंद्र सरकार ने भी इसकी स्थापना में सहयोग करते हुए इसे ब्याज रहित ऋण प्रदान किया था। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा विनियोजन वाले उद्योगों को वित्त पोषण करना तथा स्थापित उद्योगों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना रहा है। बैंकों के कार्य तथा उल्लेखनीय सफलताओं को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को सन 1944 में व्यापारिक बैंकिंग गतिविधियों की अनुमति भी प्रदान की तथा ICICI बैंक के नाम से नवोन्मेष बैंक स्थापित हुआ। तत्पश्चात ICICI की कुल 12 सहयोगी संस्थाएं विपणन कार्य, निवेश कार्य, अभिगोपन कार्य आदि के लिए स्थापित है। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम वर्तमान में ICICI बैंकिंग निगम में समाहित हो गया है। औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम का मुख्य उद्देश्य देश के उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में वित्त की आपूर्ति करना है, साथ ही उद्योग जगत में विनियोगों को प्रोत्साहन देना है। यह निगम विनियोगों को प्रेरित कर वित्तीय बाजार का विस्तार करता है। इस निगम के माध्यम से स्वदेशी एवं विदेशी पूंजी को देश में वित्तीय बाजार में उपलब्धता रहती है। निगम नवीन उद्योगों की स्थापना, नवीन तकनीक का प्रयोग आदि कार्यों के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम का मूल उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का वित्त प्रबंध करना तथा पूंजी बाजार में वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम का निजी क्षेत्रीय रूप। ICICI भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना एक निजी क्षेत्रीय संस्था के रूप में की गई। इसकी स्थापना के पीछे भारत सरकार की एक सुनियोजित नीति थी। देश में औद्योगिक विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी। विश्व बैंक से आर्थिक सहायता तभी प्राप्त हो सकती थी जब आर्थिक सहायता का प्रस्ताव किसी निजी क्षेत्रीय वित्तीय संस्था द्वारा भेजा जाए। फलस्वरूप विश्व बैंक के सुझाव के आधार पर भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी 1955 को भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना भारतीय औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत की गई। फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह निगम एक विशुद्ध निजी संस्था है जो निजी अंशधारियों द्वारा स्थापित की गई, किंतु यह एक निजी क्षेत्र निगम होते हुए भी इसकी स्थापना में भारत सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अंशधारियों में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, अर्थात अधिकांश पूंजी सरकारी क्षेत्र की है। निगम ने जो विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया था उसमें भारत सरकार की 100% गारंटी है। भारत सरकार द्वारा भी निगम को 25 करोड़ रुपए से अधिक ऋण प्रदान किए गए। इस प्रकार निगम की कुल पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भी लगाया गया है, जिसके फलस्वरूप इसकी प्रबंध व्यवस्था में भी भारत सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप रहता है। निजी क्षेत्र वित्तीय संस्था होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सरकार हित जुड़ा हुआ है। औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की प्रबंध व्यवस्था उच्च स्तरीय संचालक मंडल के माध्यम से होती है। इनमें मुख्य संचालक तथा 14 अन्य संचालक होते हैं। संचालक मंडल में एक सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। निगम की कई सहायक कंपनियां भी हैं, जैसे ICICI बैंक, ICICI मार्केटिंग, ICICI फाइनेंस आदि। औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ ICICI। औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम का मुख्य कार्य औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सहायता पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त तकनीकी सलाह,
परामर्श एवं औद्योगिक प्रशिक्षण आदि कई कार्य निगम द्वारा संपन्न किए जाते हैं। निगम के मुख्य कार्य जो हैं वो हैं निम्नलिखित हैं। पहला जो कार्य है औद्योगिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करना। दूसरा कार्य है इसका लघु उद्योगों के लिए देश एवं विदेश से ऋण उपलब्ध कराना, जिसका तीसरा कार्य है औद्योगिक संस्थाओं के अंशों का अभिगोपन करना। चौथा, नवीन उद्योगों की स्थापना में प्रवर्तक की भूमिका का निर्वहन करना। पांचवा, इसका जो कार्य है वो है पिछड़े एवं अल्प विकसित क्षेत्रों में आर्थिक सहायता पहुँचाना, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। इसका जो सातवां कार्य जो दिया गया है वो है निर्यात योग्य उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण उपलब्ध कराना। इस प्रकार भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम ऐसी निजी क्षेत्रीय संस्था है जिसका सुदृढ़ वित्तीय आधार है तथा यह संस्था अधिक तीव्रता से, गतिशीलता से तथा उधार नीतियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन दे रही है। अब जानते हैं हम इसकी प्रगति के बारे में। इसकी प्रगति है ICICI ने देश में औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण में आर्थिक सहयोग दिया है। पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को रियायती दर पर ऋण पर वित्त प्रदान किया है। ग्रामीण विकास परियोजना पर आसान शर्तों पर भी इसने ऋण दिया है। ऋण के अतिरिक्त ICICI ने उद्योगों में तकनीकी विकास हेतु भी सहायता प्रदान की है और इसमें मुख्य रूप से बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोतकनीक, सूचना तकनीक यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग परियोजनाओं के 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर की परियोजना संचालित की है। इन सब के अतिरिक्त बैंक द्वारा अंश पंजीकरण तथा हस्तांतरण सेवाएं भी प्रदान की है। सन 1980-81 में ICICI द्वारा 310 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए थे तथा 180 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए, जो वर्तमान में बढ़कर 30,840 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत तथा 19,910 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा तथा गारंटी 19 करोड़ रुपए की प्रदान की है। धन्यवाद।